देखिए ये स्कूल है, इसमें राशन का जो केंद्र, सूखे राशन का केंद्र बनाया गया है। इस विद्यालय में सरकार ने कहा कि ये B4 स्कूल का विद्यालय का ट्रांसफर करके यहाँ पर इस A2 ब्लॉक, ये प्राइमरी प्रतिभा विद्यालय है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय नंद नगरी A2 सादरा उत्तरी क्षेत्र दिल्ली, ये इस विद्यालय के अंदर जो है ना सूखा राशन बांटा जा रहा था। लेकिन इस विद्यालय में 3-4 दिन से बिल्कुल राशन नहीं है। पब्लिक जो है ना डेली सुबह आती है और जाती है और परेशान हो कि इस सरकार ने इनके जो है ना राशन कार्ड, ई राशन कार्ड इशू कर दिए हैं। लेकिन इस पहले तो यहाँ की जो साइड ही बंद थी, साइड बड़ी मुश्किल से खुली, तो इनके ई राशन कार्ड जैसे इशू हुए, इशू होने के बाद ये लोग जब राशन लेने आते हैं तो इनको यहाँ पर राशन नहीं मिलता। बाहर हमने दिखाया कि बोर्ड लगा हुआ है और ये 4 दिन से, 3-4 दिन से लगा हुआ है कि चक्कर काट रहे हैं ये लोग, लगा है कि राशन नहीं है, राशन ख़त्म हो चुका है। अब एक तो ये लोग अपने कोरोना, देश के अंदर पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी चल रही, उसके चलते लोग, पहले सरकार कहती है घरों से मत निकलो और राशन का अब वो हवाला देते हुए, पर जो घर से निकल के आते हैं तो एक तो पुलिस के भी डंडे खाएं, प्लस जो है ना दूसरा कि जो है जब यहाँ तक आते हैं तो इनको राशन नहीं मिलता। तो इनको ये खुद ही बताएंगे कि भाई किस तरीके से ये परेशान हो रहे हैं। एक तो इस विद्यालय में आने के बाद यहाँ निराश होकर जाते हैं कि भाई हम राशन है ही नहीं, तो ना तो यहाँ के जो इंचार्ज हैं, स्कूल प्रशासन है, वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, और उच्च अधिकारी भी, हमने अभी बात की थी तो वो बता रहे थे स्कूल के प्रिंसिपल और लोग की जो है ना, हमने आगे मेल कर रखी, हमने मैसेज कर रखा है, SDM को बोला है, DM को बोला, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। अब ये पब्लिक के लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से परेशान हो, बताएं आप जो है ना, आप लोग एक एक करके बताएं। आप मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मीना जी। आपका ई कार्ड इशू हो गया है? हाँ जी। कब हुआ था? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए आपको राशन मिला? नहीं मिला। कितने दिन से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं? 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। 4 दिन से, तो आपको क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा रहा है जो अभी राशन आया ही नहीं है, राशन आया ही नहीं है, हमने ऊपर अप्लाई कर रखा है, इसको क्या रखा, उसको क्या रखा, यही हो रहा है। इस समय कितने बज रहे हैं? इस समय 12 से मेरे ख्याल से 1 के करीब हो गया। अब बताइए कि ये लोग बेचारे सुबह आते हैं और यहाँ चक्कर काटते काटते 3-3 चक्कर लगा के चले जाते, लेकिन इन्हें निराशा हासिल होती है। सर आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? सुभाष कुमार। सुभाष कुमार, आप राशन लेने आ रहे हैं? हाँ जी, मैं तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार आए हो, और घर से आने में मतलब कोई परेशानी होती है? परेशानी तो हो रही है, पुलिस वाले बार बार पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है? यहाँ आने के बाद कोई बोर्ड दिखा के बता देते हैं कि यहाँ राशन नहीं है। आप कितने दिन से आ रहे हैं? मेरे को 3-4 दिन हो गए, हर 2 दिन का टाइम देते हैं कि 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना, इस तरीके से 5-6 दिन हो गए मेरे को राशन मिलने का, बहुत दिक्कत हो रही है। जब राशन नहीं है तो ये कार्ड बनवाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मेरे भाई, जब आपका गुजारिश है कि भाई जिन लोगों का ये कार्ड बना हुआ है उन लोगों को अपना टाइम पर राशन दीजिए, बस यही मेरी गुजारिश है। तो आप कितने दिन से आ रहे हैं? 3-4 दिन ये भी आ रहे हैं। आप मैडम? 3-4 दिन हो गए, तो आपको आपका ई कार्ड इशू हो गया, उसके बाद भी अब राशन नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। हाँ, तो किरायेदारों के लिए तो कर दिए, पर इसमें राशन मिले तभी तो माना जाए ना, किरायेदारों के लिए क्या सुविधा करा गया है? तो राशन में क्या क्या बताया जा रहा है मिलने के लिए? राशन में तो गेहूँ बता रहे थे और चावल बता रहे थे, और बाकी कुछ मतलब गुजारा होगा, बाकी और क्या? बाकी चीज हम कहाँ से लेके आएंगे? घर से काम पे नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से आएगा? हमें घर में पैसे बड़े थोड़े ना पैसे हमारे पास आ जाएंगे जो हमें मिल जाएगा। आप कहाँ रहते हो? बेटू में रहती हूँ। नंद नगरी में रहते हो आप? कितने दिन हो गए राशन कार्ड, ई राशन कार्ड इशू हुए? 5-6 दिन हो गए, अभी तक राशन नहीं मिला, बस चक्कर काट रहे हो खाली। देखिए ये लोग जो है ना, इन्होंने सबने अपने अपने बारे में बताया है कि ये इस समय कंडीशन वो कंडीशन है कि शायद कह नहीं सकते कि देश के अंदर एक तो कोरोना जैसी महामारी, दूसरी जो है ना, दूसरी ये है कि ये जो है ना कोरोना जैसी महामारी से परेशान है। यदि ये खुश होते या घर के अंदर स्टॉक होता तो ये क्यों चक्कर काट रहे होते?
सरकार से ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे फिर आपने राशन ई राशन कार्ड इशू किए हैं तो आप हमें राशन क्यों नहीं दे, या आपने स्टॉक क्यों नहीं रखा पहले, स्टॉक है नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं, ये मैडम कुछ कहना चाह रही है, बताएं दोबारा बताएं। सर राशन से ताल्लुक नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे बच्चों का इलाज चल रहा है तो अब उसके लिए मैं डॉक्टर ने ये बोला कि जाके बाहर दवाइयाँ लेंगे स्टोर से, तो सर जब पैसे नहीं रहेंगे हम स्टोर से कहाँ तक दवाई लेंगे, दोनों बच्चों का कहाँ से चल रहा है इलाज, ये तो जी टी वी से चल रहा है, किस चीज़ का चल रहा है, दौरे का चल रहा है बच्चों का, तो महीने का मतलब दवाइयाँ मिलती थी उसके लिए भी मैडम ने मना कर दिया था जैसे डॉक्टरों ने कि यहाँ पर मत आओ कोरोना वायरस है, नहीं तो आप भी बीमार हो सकते हो, तो हम एक बार लाएंगे दवाई, दो बार लाएंगे, तो सर हमारी दोनों बच्चों की दवाई चाहिए। कितने कितने बड़े बच्चे हैं वो? मेरे बच्चे एक 16 साल की है, एक 13 साल की है। अच्छा सर, तो ये कहाँ पर गए थे आप, इलाज कहाँ से चल रहा है? ये तो इलाज छोटी लड़की का चल रहा है जी टी वी से, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। हाँ हाँ, और एक चल रहा है हिमा से चल रहा है। देखिए ये जो अपनी एक समस्या बयां कर रही है कि इनके दो बच्चों का जो इलाज, दो बेटी हैं उनका इलाज चल रहा है एक गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से और एक स्वामी दयानंद अस्पताल से, लेकिन इन्हें मना कर दिया गया है कि आप अपने अब ये घर से कहाँ से कितनी और जो मेडिकल से दवाइयाँ कब तक लेंगे, जबकि कायदा में ये बनता था जो नॉर्मल बीमारियाँ हैं जिनको हैं उनको सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए उनको भी दवाइयों का वितरण कराया जाता है या इनके पेशेंट को देखा जा सकता था, लेकिन ये लोग बहुत परेशान हैं। अब यहाँ आ जाती है वही राशन वाली बात, तो मैडम राशन आप जो है ना यहाँ पर राशन मतलब इस तरीके से जैसे वितरण किया जा रहा है, ये लोग परेशान हैं, अब परेशान तो मजबूरी है इनकी परेशानी होना, क्योंकि लाजमी है कि भाई जब इनका राशन कार्ड ई राशन कार्ड इशू कर दिया इनको तो आना का फर्ज है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक क्यों नहीं हो रहा सर? ये स्टॉक ये हम भी नहीं जानते कि क्यों नहीं हो रहा, हमारे पास एक लिस्ट आई सबसे पहले 16 तारीख जी, इसमें थे 200 मेंबर जी, 200 मेंबर में से हमने राशन जो आए 16 तारीख की लिस्ट के हमने उनको राशन प्रोवाइड किया, पहले दिन हमने 128 लोगों को दिया, सेकंड डे हमने 32 लोगों को, थर्ड डे में सेकंड डे की शाम को हमारे पास लिस्ट एक और आ गई 17 वाले लोगों की भी आ गई, तो हमारे पास वो लोग भी आए इकट्ठे होकर, हमने उनसे कहा कि अभी हमारे पास आप लोगों का राशन नहीं है, राशन नहीं है हमने, क्योंकि भाई हमारे पास लिस्ट जैसे जैसे आ रही सर, जैसे राशन आएगा तो हम भी गवर्नमेंट से, हम क्योंकि गवर्नमेंट के ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। तो आप किस पोस्ट पर हो यहाँ पर? सर मैं किसी पोस्ट पर नहीं हूँ, मैं तो एक समाज से सवाल क्या हूँ, मैं हेल्प के तौर पे, क्योंकि ये स्कूल मेरे घर के सामने वाला है। अच्छा। तो मैं सिर्फ एक सबके साथ में सपोर्ट करने के लोग कि सोशल डिस्टेंस का ये सब चीज के लिए आ जाती हूँ। तो फिर जब यहाँ मतलब आप सोशल वर्कर कर रहे हो तो आपने यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी आया जिससे आपने बात की? सर यहाँ पे SDM और यहाँ पे लोग SDM कौन सी SDM सीमापुरी SDM आ चुके हैं, और सर 17 तारीख वाले राशन के लिए हमें फिर 16 तारीख हमारे पास 17 तारीख की शाम को इंस्ट्रक्शन आया कि जो लोग अगर 16 तारीख के नहीं आते तो आप उन्हें 18 तारीख को 17 वालों को राशन दे देना। ना तो 17 वाला राशन है, ना 18 वाला राशन है, ना 19 वाला राशन है, और आज 20 तारीख हो चुकी है, ना 20 तारीख का कूपन ही नहीं है, 20 तारीख का कूपन ही नहीं है, नहीं है ना, लेकिन आप ये लोग 20 तारीख का आप इंतजार कर रहे हैं लेकिन राशन नहीं है आप लोगों के लिए। हमने यहाँ पे देखिए नहीं मिला, कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? हम तो कई बार आ गए किराएदार पे, हमें बतावे बिना कोई ढंग से, हाँ तो कुछ भी ना खाने को 5-5 किलो आटा ले रहे हैं, ऐसी दुकान तो बहुत महंगा सा बता रहे हैं। और सर हमने यहाँ पे देखते आप मैं बता सकती हूँ, यहाँ पे हमने पेपर पे लिख के लगा दिया, पेपर तो लगा रखा है, पेपर तो रोज देख रही पब्लिक देख के लौट जाती है, तो उस पेपर से क्या है कि जब तक माल ही नहीं होगा लौट के नहीं रहे, टीवी में तो लोग जा रहे हैं, आधार कार्ड तो किराएदारन के, दूसरा ये है जब राशन नहीं था, राशन नहीं था तो ऊपर से बोल करके ना भेजे ना कि हाँ जाओ तो कूपन नहीं निकालने चाहिए थे, जब राशन है ही नहीं आपके पास तो कूपन निकाल क्यों रहे हो? सरकार तो दावे कर रही है कि हम रोज जो है राशन भेज रहे हैं, टीवी पर आ रहा है, जब राशन है ही नहीं तो कूपन निकाल क्यों रहे हो? लेकिन आप लोग जो है ना जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं तो ये लग रहा है कि आप हकीकत में ही परेशान है, क्योंकि लोग इंतजार जब ही करते हैं जब घर के अंदर शायद नहीं होगा, नहीं होता जब परेशान है, जब कोई बाहर ही नहीं निकल पा रहा तो इंसान तो परेशान होगा काम धंधे पे। ये लोग हैं काफी, हालांकि ये लोग अपने अपने सोशल डिस्टेंस का जो है ना दायरा बनाए हुए हैं, लेकिन इन्होंने सब ने अपनी अपनी परेशानी बताई। अब बताइए कि ये जो है ना किस तरीके से लोग मजबूर हैं कि जो है ना दोपहर में यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं फिर भी इनको राशन नहीं मिल रहा है, और जबकि राशन सरकार के अनुसार तो राशन तत्काल जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए था।
और ये बता रहे हैं कि बोले सब जगह मिल रहा है, बस इसी क्षेत्र में नहीं मिल रहा। ये स्कूल है पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, उसी स्कूल के अंदर खड़े हुए हैं, और जो है ना ए टू नंद नगरी सादरा उत्तरी क्षेत्र दिल्ली नंद नगरी दिल्ली 93। तो जो लोगों ने अपनी अपनी परेशानियाँ बताई, अब ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमें राशन क्यों नहीं मिल रहा, इसका जवाब कौन देगा, देखते हैं। लोग क्यों आए हो यहाँ पर? ये ए ब्लॉक स्कूल है, ये नंद नगरी प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पर आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो? कौन सा राशन? अच्छा, जो ई राशन कार्ड से मिल रहा है। तो फिर जो है ना अभी जो है ना कितने टाइम हो गया, टाइम बताना कितना हो गया? डेढ़ बजे नहीं मिल रहा। कब से चक्कर काट रहे हो आप लोग? तीन दिन हो गए। तीन दिन से आप लोग को राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। पहले सुबह आए तो कहते 11 बजे मिलेगा, 11 बजे से कहते हैं 2 बजे आ रहे। ये दिखाना, ये दिखाओ अपना, जो ऐसे दिखाओ, ये ई राशन कार्ड है। तो ये कंप्यूटर से निकाला गया है। हाँ। ये ई राशन कार्ड है जिससे ये लोग जो राशन लेने आए, लेकिन अभी उन्हें राशन नहीं मिला, और राशन मिलने के लिए कह रहे हैं कि हम 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। आप बताएं मैडम कि मतलब क्यों चक्कर काट रहे हैं, किस वजह से चक्कर काट रहे हैं, यहाँ क्या कहा जा रहा है आप लोग को? सवेरे आएंगे तो कहेंगे 11 बजे आना, 11 बजे आते हैं कहेंगे 2 बजे आना, और अभी इतनी तारीख वालों को मिल रहा है, अभी इतनी तारीख को मिल रहा है। 17 को आए थे जब कह रहे कि 16 को मिल रहा है, अभी 16 वालों को खत्म हो गया। फिर भी कह दिया चलो 2 बजे मिलेगा आपको, 2 बजे आए तो कह रहे नहीं है, शाम को कल पता कर रहा, कल आए तो फिर कह रहे नहीं है अभी। आप फिर तीसरे दिन यहाँ पे पुलिस भी आई, झगड़ा हुआ खूब, नहीं मिला जब फिर यूँ। हाँ, 100 नंबर पे कॉल करी है, जब भी नहीं मिला, कहा कल पता कर लेना, कल भी आए कल भी नहीं मिला। आप कब से आ रहे हैं? मैं 3 दिन हो गए, एकदम लाइन लगा के वहाँ लाइन लगा। छोटा बच्चा साल भर का छोड़ के आती बार बार। क्या कह रहे हैं? साल भर का बच्चा बार बार छोड़ के आती है, क्योंकि राशन नहीं मिल रहा। राशन नहीं मिल रहा है तो सरकार तो कह रही है कि हम सबको राशन भिजवा रहे हैं। मिल रहा है, 3 दिन हो गए। ये लोग कह रहे राशन नहीं है। क्या कह रहे हैं? राशन नहीं आ रहा, आप लाइन लगा दो आ जाएगा राशन। लाइन में लग लग के चले जाते हो? लाइन में जब राशन नहीं तो लाइन में क्यों लगते हो? नहीं, थोड़ा है, अगर इतने में मिल गया तो ठीक है, इसलिए हम इस लालच में लगते हैं। दो तीन दिन, 3 दिन यहीं बच जाते हैं, परसों भी 3 यहीं बच गए। अच्छा जी, सुबह 10 बजे से 3 बज जाते हैं। और खाना पीना, बच्चे परेशान होते हैं? बच्चे परेशान हैं, स्कूलों में बता रहे हैं खाना बना हुआ मिल रहा है, जाते हो लेने के लिए? हाँ, वो भी जाते लेने, लेकिन फिर भी वो उससे कहाँ पूरा पड़ता, पूरे घर का कहाँ पूरा होगा। सही बात है, वहाँ पर क्या मिल रहा है? चावल, दाल चावल, रोटी नहीं मिलती, नहीं, रोटी एक दिन बस, चावल ही चावल, और चावल दाल और कुछ राजमा चावल, छोले चावल, बस यही मिल रहा है। ये सुनने वाला सब्जी पूड़ी मिलती या नहीं? नहीं, ये नहीं मिली, तो नहीं मिला अभी तक, तो मिला नहीं। तो चावल है, छोले चावल, दाल चावल, बस ये डेली जब से खाना बट रहा है, जब से दाल चावल, दाल चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल, 3 चीजें तो ज्यादा मिलती, इससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं। रोटी नहीं मिलती, बच्चे रोटी मांगते हैं, चावल से कोई पेट ठंडा पड़ता है। अब ये आटा गेहूँ देंगे तो हम राशन भरवाए पिसवाएंगे तब जाके रोटी बनाएंगे। वो गेहूँ तो यहाँ पर है ना? अब नहीं है तो सरकार ने फिर हमारे को निकाल के दिया है कि पब्लिक को क्या दिया, निकाल के दिखाना। ये देखो पब्लिक, ये ई राशन कार्ड है, पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये देखिए, ये जब सरकार ने ई राशन कार्ड है तो इसको क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे कोरोना जैसी महामारी में अब ऐसे तक कहते हैं दूर रहो, दूर रहो, और पब्लिक इतनी भीड़ कर रही है, वो परेशान हो रहे हैं। तो आप जो है सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं बताएं आप? अरे जो आपने निकाला, जो हमें सभी सुविधा दी है उसको तो पूरी करो, नहीं तो बंद कर दो, जो पब्लिक परेशान ना हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही है परेशान वाली बात है, नहीं ना सी। ये भाई हैं, ये भी 2-3 लोग और भी आ रहे हैं, ये तो लाइन लगी हुई है यहाँ पर। आप किस लिए आए हैं? कब से आ रहे हो? 3-4 दिन से नहीं मिल रहा। कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? बताइए। राजेंद्र कुमार जी, आप 3-4 दिन से आ रहे हैं लेकिन राशन नहीं मिल रहा। मैं कह रही हूँ कि अभी सीट नहीं आई है और राशन खत्म हो गया, बाद में आप पता कर रहे जो बस नहीं, जब राशन आएंगे बताइए। आप जो आए हैं राशन लेने आए हैं, नहीं मिल रहा, कितने दिन से आए हैं? मेरा तक रात आया है, 15 तारीख का बुक है। अच्छा अच्छा, लेकिन नहीं आया जी। तो आप जो है ना यहाँ आने के बाद जो है रास्ते में जब आते हैं तो पुलिस वगैरह कोई तो परेशान करते हैं? हाँ जी, तो उससे कहाँ जा रहे हैं बताना पड़ता है, राशन लेने जा रहे हैं, राशन यहाँ से निराशा हासिल होती है। चलो, हाँ अभी कोई कह रहे हैं कि पता ही नहीं, अभी कोई उम्मीद ही नहीं है कि राशन कब तक आएगा।
और ये यहाँ पर सारे बस इस तरीके से ड्यूटी पर आए और बैठे, लोग परेशान हैं गेट के बाहर इस तरीके से, और गेट पे इन्होंने अपना खुद ही बोर्ड भी लगा रखा है कि राशन ख़त्म है। तो ये स्थिति है इस विद्यालय में और इस एरिए के लोगों को ना इस एरिए में। आपने यहाँ के जैसे किसी क्षेत्रीय विधायक निगम पार्षद से भी कोई संपर्क करा? हमने अपना नंबर दिया गया, हमने उससे बात भी करी तो कह रहा विधायक से बात करो, तो विधायक जी फोन नहीं उठा रहे। हमने विधायक को करा, विधायक जी फोन नहीं उठा रहे, हमने भी करा, हमने परसों भी कंप्लेंट करा। अच्छा, कंप्लेंट भी करी हमने। हां, यहां तुम्हारे एरिया के विधायक कौन है? राजेंद्र पाल गौतम। इस एरिया के विधायक क्या नाम है? राजेंद्र पाल गौतम। तो उनको फोन करा आपने? जी सर, मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं है। तो आपने फोन करा कि जिन्होंने फोन करा? हाँ हाँ, जिससे फोन करा था आम आदमी पार्टी वालों को, तो उन्होंने उनका नंबर दिया, वो फोन नहीं उठा रहे। ये जनता इस तरीके से परेशान है, जो कि हमने आके यहाँ इनका जो है जायजा लिया, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, केवल बस निराशा हासिल हो रही है और कुछ नहीं है। इसलिए सरकार से इनकी गुहार है कि इन्हें राशन तत्काल जल्द से जल्द, इन्हें चक्कर ना कटवाया जाए। चक्कर कटवाते हैं तो ऐसे ही लोगों में कोई ना कोई ऐसा पीड़ित या कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि पता नहीं है समय के अनुसार क्या हो सकता है इस देश के अंदर। धन्यवाद आप सभी का जो आपने जानकारी दी। धन्यवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।